सबसे पहले लुप्ते सेलिब्रेशन कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम सबको आज यहाँ मौका दिया और विशेष करके मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आज बुलाया, बहुत सम्मान के साथ बुलाया, मैं बहुत खुशी हूँ। सबसे अच्छी तरह जाने की जो पहले कहा ही है, हम दोनों को एक साथ बुलाया, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों को, और अच्छा लगा हमको। और कपर पिंगिया साहब तो मेरा दोस्त है, सब दोस्त लोग, पुराना जितना भी दोस्त है सब यहाँ एक दूसरे को मिलने के लिए मौका मिला। ये लुंगते ने हम सबको बुलाया, इसलिए लुंगते फेस्टिवल में हम आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। लुंगते फेस्टिवल के बारे में आप सबको पता है, 26 ट्राइब्स मेजर है और सब सब क्लान सब ट्राइब्स मिला करके 110 अधिक, उसका अपना खाने का पीने का रहन रहने का और अपना कल्चरल आइडेंटिटी अलग अलग से है। उस ड्रेस से भाषा से हम लोग पहचान रहे हैं एक दूसरे को, और नचल हम लोग का कॉमन भाषा है ही नहीं, कॉमन भाषा जो मिडिल बेल्ट में अपर बेल्ट में हिंदी से जुड़ा जाता है और लोअर बेल्ट में जो असम से और नागालैंड से जुड़ा है वहाँ असमिस और नागा, और यहाँ अभी एजुकेशन पढ़ने से कम इंग्लिश मीडियम आ गया तो सारा ऑपरेशन में जो हमारा जो नौजवान यूथ है उनको इंग्लिश से हिंदी से जुड़ा जाता है। लेकिन विशेष करके अनेकता में एक एकता है और उसमें देखने में बहुत सुंदर भी लगता है, इसलिए अरुणाचल बहुत सुंदर है। इतना सारा फेस्टिवल है, फेस्टिवल का नाम को याद करने के लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल है, और हमारा देश इस प्रकार का है, जिस देश से भारत देश हमारा इतना अनेक भाषा है, अनेक धर्म है और उसका अनेक फेस्टिवल्स है, उतना फेस्टिवल को मनाते मनाते पूरा साल भर निकल जाता है। शायद हमको पता है कि ऑफिशियल नेशनल हॉलीडेज 17 है, नेशनल हॉलीडेज को तो कंपल्सरी मनाना ही मनाना है, उसको तो नहीं रोक सकता। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज बोल के भी और आई थिंक 38 जैसा है, 37-38 जैसा है जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है, उसको भी अलग अलग अपना अपना जो जातियां हैं और अपना धर्म है उसको मनाते हैं। उसके अलावा भी सिर्फ अरुणाचल, अरुणाचल में हमारा 29 फेस्टिवल अभी तक हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है, जो कम्युनिटी बेसिस में जो सेलिब्रेट हो रहा है 29 है, और अपना घर घर में जो मनने वाला तो अलग होगा और बहुत सारा होगा और भी निकल सकते हैं, जिस इंक्लूडिंग मैंने लुंगते को मिला के 29, तो उससे पता चलता कि हम साल भर हर महीना भर में हम फेस्टिवल मना सकते हैं। इसलिए हमने पहले कहा था इतना सारा फेस्टिवल है, सर अभी इस अप्रैल महीना के अंदर में और अरुणाचल में तो कम से कम 6-7 फेस्टिवल होगा क्या, सिर्फ अप्रैल महीना के अंदर में, तो उतना सारा फेस्टिवल को जोड़ने से हम फेस्टिवल कैलेंडर ईयर बना करके उसको डेवलपमेंट में कल्चरल और ये फेस्टिवल का टूरिज्म में हम जुड़ा जा सकता है, इससे और बहुत पैदा होगा, जैसे अन्य देशों में लोग करते हैं और इवन अपना देश में भी, हर भारत देश में हर प्रदेश में आप देखिए उसी को
टूरिज्म में भी जुड़ा गया है। इससे बहुत लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, बहुत लोग को बिजनेस भी मिलेगा और सारा दुनिया के साथ हम जुड़ सकते हैं। तो लुंगसे के बारे में तो आप सबको बता ही दिया। लुंगसे ऐसा एक फेस्टिवल है, बहुत पहले से जानता हूँ, नया नहीं है मेरा लिए, अपना फेस्टिवल है और एक पॉपुलर फेस्टिवल है। और आज जिस प्रकार से उन लोगों ने बताया, इस फेस्टिवल में सेक्रीफाइस नहीं होता है, ये फेस्टिवल ऑफ प्रोटेक्शन। आई थिंक दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ प्रोटेक्शन, फेस्टिवल ऑफ सिक्योरिटी, फेस्टिवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड इट्स डेवलपमेंट। ये हर लोगों को जुड़ने का फेस्टिवल है। यहाँ मर्डर नहीं है, यहाँ किलिंग नहीं है, यहाँ टॉर्चर नहीं है, यहाँ वायलेंस नहीं है। आई थिंक ये वन अमंग द बेस्ट फेस्टिवल ट्रैवल में, जो पीसफुल फेस्टिवल, ये शांति का त्योहार में जोड़ा जा सकता है।